हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूँ हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन समिट में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, यानी कि लैपटॉप से आप अपना घर बैठे फॉर्म कैसे भर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में पूरी तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म आप घर बैठे लैपटॉप से कैसे भर सकते हैं। लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, किसी चीज से भी आप भर सकते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो से बताने वाले हैं। 10 वीडियो को क्या कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलो मैं वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिएगा, गूगल ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा और मेन स्क्रीन पर आ जाइएगा। गूगल पर टाइप कीजिएगा onlinesubmit.com, जो पहला वाला वेबसाइट है इस पर क्लिक कर देनी है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है onlinesubmit.com का, इस अपडेट पर आ जाइएगा। देखिए, मैं इस वेबसाइट पर आ गया हूँ। आप देख सकते हैं जो भी दोस्तों लेटेस्ट न्यू हो जाता है यहाँ पर, 8 को यहाँ पर दिया गया कैटेगरी इस पे शो करता है। जैसे कि इस साइट पर सबसे पहले रिजल्ट आती है, एडमिट कार्ड कोई भी सबसे पहले अपडेट मिलती है, लेटर जॉब कोई भी फॉर्म आता है तो सबसे पहले यहाँ पर आती है। उसके बाद दोस्तों नीचे है ऑल ऑनलाइन फॉर्म, कोई भी नया नया फॉर्म ऑल, यानी कि पूरा फॉर्म यहाँ से हो जाएगा। इम्पोर्टेंट में जैसे कि कोई का डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ गया, तो किसी का रैंक कार्ड आ गया, तो कभी विकलांग कार्ड बनाना हो, पंजाब नेशनल बैंक में खाता खोलना हो, ये सब इम्पोर्टेंट में आ जाएगा। एंसर की कोई भी अगर मान लीजिए एग्जाम देते हैं, यानी कि कोई भी फॉर्म भरते हैं तो एंसर की जारी होता है, तो यहाँ से एंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे देते हैं कोई भी न्यू अपडेट, लेटेस्ट न्यू अपडेट में आएगा। एडमिशन, जितने भी एडमिशन चालू होगी, चाहे बिहार हो और अदर स्टेट, कहीं का भी, किसी भी स्टेट का, यानी कि इंडिया में कहीं का भी अगर स्टार्ट हो तो यहाँ पर सबसे पहले आता है। बिहार के लिए स्पेशली यहाँ पर कैटेगरी बनाया गया है। चाहे अब फॉर्म हो, एडमिट कार्ड हो, रिजल्ट हो, एडमिशन हो, कोई भी, इसमें अपडेट आती रहती है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर क्लियर बताने वाला था, ऑनलाइन फॉर्म लैपटॉप से भरना आपको सिखाएंगे, यानी कि लैपटॉप से ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वेबसाइट पर आ जाइएगा onlinesubmit.com पे। यहाँ पर देखिए बहुत सारी यहाँ पर फॉर्म आ चुकी है, यहाँ पर लेटेस्ट जॉब में यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी फॉर्म है। तो मान लीजिए कोई भी यहाँ पर फर्स्ट वाला ही यहाँ पर ले लेते हैं। सेकंड वाला देखिए, पहला वाला में भी SSC एक्सिक्यूटिव IT ब्रांच है, दूसरा में भी HQ ट्रेडसमैन मेट का है, तीसरा है बिहार आर्मी रैली मुजफ्फरपुर, यहाँ पर है बिहार ANM वैकेंसी ऑनलाइन। तो मैं यहाँ पर ANM वैकेंसी आया हुआ है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। मैं इसी पर आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि ये ANM का जो वैकेंसी है, सबसे पहले यहाँ पर नीचे आइएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट डेट देखना है कि कब से कब शुरू हुआ है। तो एप्लीकेशन बिगिन हुआ है, शुरू हुआ है 2/8/2022 को, ये क्लोज डेट कब हुआ है, 1/9/2022 को क्लोज हो जाएगा, यानी कि लास्ट डेट हो गया। यहाँ तक तो जान लीजिए कि मेरा भी फॉर्म भरने का डेट है। उसके बाद क्या देखना है दोस्तों, कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, कितना रुपए पेमेंट करना होगा ये देख लेंगे, और उसके बाद आप कार्ड से, डेबिट कार्ड से किस चीज से पेमेंट करना है वो भी देख लेंगे। अब नीचे तो रही बार क्वालिफिकेशन जरूर चेक करें, जैसे कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन है एजुकेशन पर, कौन लोग भर सकते हैं, क्वालिफिकेशन चेक करें। यहाँ पर उनका एज लिमिट कब से है, 21 से 40 ईयर तक, ये भी देखें। अगर ज्यादा हो गया तो आप लोग भर नहीं सकते। इतना चीज देखने के बाद डायरेक्टली नीचे आ गई है, रियल मोस्ट यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक्स दिया गया है, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, क्लिक हियर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग समझ में आएगा तभी। यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फी डिपॉजिट, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेते हैं, अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई पर क्लिक कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, कोई भी फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर 4 वैकेंसी आई हुई है, जैसे ही अप्लाई पे किए यहाँ पर बिहार फीमेल हेल्थ वर्कर ANM का, यहाँ पर ऑलरेडी क्या किया, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। देखिए आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी फॉर्म भरना है तो सबसे पहले क्या करनी होती है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन क्यों करते हैं, रजिस्ट्रेशन इसलिए करते हैं कि सारा क्वालिफिकेशन आपके पिताजी का, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारा चीज वेरीफाई कर लेता है और आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड दे देता है, जिसके थ्रू आप लॉगिन करके पूरी फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आई एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट कर देंगे। और देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का पूरी तरीके से फॉर्म खुलकर आ गया। इस पूरी फॉर्म को भरकर क्या करेंगे, यहाँ पर वैलिडेट एंड प्रीव्यू करेंगे और लास्ट तक यहाँ पर भर देंगे। फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर होम बटन का ऑप्शन है, होम पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए क्या करना है, दूसरा स्टेप में क्या करना है कि पूरी तरीके से फॉर्म को क्या करना है, फिर डिपॉजिट करना है।
सबमिट एप्लीकेशन, उसके बाद फिर डिपॉजिट यानी कि पैसा जो जमा करना है, जैसे मैंने जिन जिन कैटेगरी का यहाँ पर बताया था कितना कितना पेमेंट करना है, आपको पेमेंट करने होंगे। पेमेंट करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, आपका यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया है उस रजिस्ट्रेशन नंबर के डाल को प्रोसेस पे क्लिक करके पूरी तरीके से फॉर्म को भर के वहां पर सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद आपको एक हार्ड कॉपी प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से फॉर्म को भरते हैं। बहुत सारी दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म होती है, जैसे कि ये जो साइट है दोस्तों हर एक साइट पे अलग अलग होती है। देखिए साइट क्या बनाता है, दो ही तीन चीज स्टेप बनाता है। पहला चीज क्या बनाता है, रजिस्ट्रेशन, और दूसरा लॉग इन बनाता है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉग इन करके फॉर्म भर को पूरी तरीके से भर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, रजिस्ट्रेशन के वक्त ही पैसा मांग लेता है, और कभी कभी लॉग इन करते हैं वहां पर तब जाके पैसा वो मांगता है। लेकिन कभी कभी क्या करता है, अलग अलग दे देता है, जैसे कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फी जमा करना है अलग से क्लिक करके, सबमिट करना है अलग से, मॉडिफाई अगर गलती हुई है तो सुधार यहां से सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों मैं पहले वाले वेबसाइट पर चला जाता हूं, यहां पर होम बटन पे मैं क्लिक कर लेता हूं। जैसे कि मैं यहां पर क्लिक कर लेता हूं, अब देखिए यहां पर आपको बता दें कि कोई भी रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इस वेबसाइट पर आ चुके हैं, जैसे कोई भी फॉर्म भरना हो, खतियान प्रिंट करना हो, ईडब्ल्यूएस निकालना हो, यहां पर देख सकते हैं उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करना हो, पंजाब नेशनल बैंक में खाता खोलना हो, यूनियन बैंक में खाता खोलना हो, एसबीआई में खाता खोलना हो, जैसे कि मुझे क्या करना है यहां पर पंजाब नेशनल बैंक में खाता खोलना है, इस पर मैं क्लिक कर दिया। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाता हूं, देख सकते हैं आपको सामने दिखाने वाला हूं दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, क्लिक हियर पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्लिक करिए, और देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से पहले रजिस्ट्रेशन करना है, सबमिट करेंगे आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी में। अब देखिए ओपन यहाँ पर प्लीज क्लिक हियर, अपना जो भी टीसीआरएन नंबर मिला होगा रजिस्ट्रेशन उसको डालेंगे, कैप्चा को डालेंगे, सबमिट करेंगे, पूरी फॉर्म खुल जाएगी, और आधार कार्ड पैन कार्ड अपलोड कर देंगे, यहाँ पर पूरी तरीके से फाइनल हो जाएगा। और यही टीसीआरएन नंबर अपने बैंक में जाएंगे, जो नजदीकी आपका ब्रांच है पंजाब नेशनल बैंक में, वहां पर खाता खोल दिया जाता है लेकर जाते हो। तो इस तरीके से कोई भी फॉर्म आप भर सकते हैं इस वेबसाइट से, onlinesubmit.com से। याद रहे आपको ये बात ध्यान देनी है। तो इस वेबसाइट पर आना ना भूले, और कोई भी वर्क यहाँ से कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो दोस्तों यहाँ पर एक टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ से ज्वाइन हो जाइए। इस पर हर एक तरह के न्यू अपडेट सबसे पहले हम दे देते हैं, और यूट्यूब से आप लोग यहाँ से ज्वाइन हो जाइए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो की ओर।